इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 3। इसमें हम उमदिया और राजतंत्र के केंद्रीकरण के आगे से हम पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उमदिया और राजतंत्र का केंद्रीकरण कैसे हुआ, मतलब उमदिया वंश कैसे आगे बढ़ा और राजतंत्र का जो परंपरा जो था ना वो कैसे सामने आया। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना, बड़े बड़े क्षेत्र पर जब उन लोगों को कब्जा हो गया, जब जीत गए, तो मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई। मदीना में जो खिलाफत था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जितने लोग खिलाफत करने वाले थे शायद मार दिया गया होगा, भाग गए होंगे या मरा गए होंगे, इसलिए खिलाफत वहां का खत्म हो गया। और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया और पूरा तरीके से पूरा जगह पर उनका ही साम्राज्य चलने लगा। और उमदियों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उमा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो जाए। जो उमा क्षेत्र था उसके भीतर इनका जो नेतृत्व था, जो इनका शासन काल था, बहुत अच्छे तरीके से चलने लगे। इसके लिए इन लोगों ने बहुत कुछ किया। पहले देखा जाए तो उमदिया खलीफा मुआवियो ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। तो दमिश्क कोई था नहीं, वो एक जगह का नाम है, तो उसको वह क्या बनाया, अपनी राजधानी। और बाइजेंटाइन साम्राज्य था वहां पर उनकी राजदरबारी रस्मों, जो भी उनका रस्म हुआ करता था, तो राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। बाइजेंटाइन का जितना भी राजदरबार का रस्म था, चाहे उनके प्रशासनिक संस्था थी, ढांचा था, जो भी, उन सबको अपना लिया इन खलीफाओं ने। और उसने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा भी प्रारंभ कर दी उसी समय से, कि हमारे बाद हमारा बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा साला। और देखा जाए तो प्रमुख मुसलमानों को मना लिया, जो प्रमुख मुसलमान थे उनको मना लिया कि वे उनके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करेंगे। और उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी यह जो नवीन परिवर्तन जो था यह अपना लिया उन लोगों ने। और इसके फलस्वरूप देखा जाए तो उमदिया जो थे 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमदिया 90 वर्ष और जो अब्बासी था वो 2 शताब्दियों तक वो सत्ता में बना रहा। उमदिया राज जो था अब एक सामाजिक शक्ति बन चुका था, हम सब जान चुके हैं कब तक वह सामाजिक शक्ति बन चुका था, कितने समाजों पर कब्जा कर लिया था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, केवल इस्लाम के वजह से फल फूल नहीं रहा था, अब ज्यादा वो विराट हो चुका था। बल्कि देखा जाए तो वह शासनकाल और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। और जितना भी उनका समाज था किसके वजह से चलता था, शासनकाल के वजह से, जैसा उनका रीति रिवाज था, प्रशासनिक व्यवस्था था उसके अनुसार। और सीरिया के जो सैनिक थे उनके में जो बहुत वफादार होते थे, तो उन वफादारों के बल से चलता था। और प्रशासन में ईसाई सलाहकार, प्रशासन में कौन थे, ईसाई सलाहकार, और उसके अलावा जरतुस लिपिक और उत्तरा उसमें अधिकार उनका भी शामिल था। फिर से समझते हैं, यहाँ पे प्रशासन में किसका, ईसाई सलाहकार, ईसाई लोग भी सलाह देते थे। और इसके अलावा देखा जाए तो जरतुस लिपिक ये भी थे उनके साथ में, और अधिकारी भी शामिल थे जो इनके प्रशासनिक ढांचा को स्वीकार करके उनको आगे चलाए। लेकिन देखा जाए तो इस्लाम जो था, इस्लाम उमदिया शासन को बाध्यता प्रदान करता रहा है हमेशा। इस्लाम जो है उमदिया शासन को हमेशा एक अच्छा शासन के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। और उमदिया जो थे हमेशा से एकता के लिए अनुरोध करते थे कि हम एकता में ही रहेंगे, और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। जितना भी विद्रोह हुआ इस्लाम के नाम पर उनको दबा दिया गया। और उन्होंने अपनी अरबी समाज पहचान बनाए रखी, जो भी उनका अरबी सामाजिक पहचान जो था उनको उन लोगों ने बरकरार रखा। अब अल मलिक
अब अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में अरब और इस्लाम दोनों पहचाने जाने लगे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है कि अबद अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर, अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया गया। इसीलिए यह अरब से ही इस्लाम जो धर्म था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, फैला और हर जगह पर चला गया। आगे बताया जाता है कि अवल अल मलिक ने जो नीतियां अपनाई थी उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपना लिया गया था। जितना भी अरबी समाज का जितना भी कानून था, रीति रिवाज था, उसको प्रशासनिक रूप में अपनाया गया और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। और फिर इस्लामी सिक्का उन लोगों ने जारी कर दिया। आगे लिखते हैं कि खिलाफत में जो सोने के दिनार, खिलाफत में जो सोने के दिनार, दिनार मतलब उनका सिक्का, और चांदी के दिरहम, तो चांदी का जो सिक्का था उसको लोग दिरहम बोलते थे और सोने वाले को दिनार बोलते थे। तो सोने का दिनार और चांदी का दिरहम चल रहा था, ठीक है। वे रोमन और ईरानी सिक्कों, रोमन और ईरानी सिक्कों, दिनारियस और द्राखमा, तो दिनारियस और द्राखमा की अनुकृतियां थी, मतलब उसी का कॉपी सब यहाँ पर बना हुआ था, जिन पर सलीब और अग्नि देव के चिन्ह बने होते थे। सलीब कौन सा? सलीब उनके देवता थे, चाहे कोई होगा जान पहचान का उनका, इसलिए छापते होंगे, क्योंकि सलीब के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ इतना बताया गया है जिन पर सलीब और अग्नि देवी, तो अग्नि के जो देवी होती थी उनका चिन्ह उस पर लगा रहता था। और आगे देखा जाए यूनानी और पहलवी, ये एक ईरान में बोला जाने वाला भाषा का नाम है। जिस तरह हम लोग देवनागरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर है यूनानी और पहलवी, ये दो भाषा ईरान में बोले जाते थे। तो भाषा में लिखे अंकित होते थे, अब इसको लिखना भी लोग चालू कर दिए थे। और इन चिन्हों को हटा दिया गया, इस जितने भी चिन्ह हैं उन सबको हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। जितना भी ये सब दिनार और द्राखम का जितना भी चिन्ह था उस पर, अग्निदेव, सलीब, इन सबको मिटाकर जो कुरान का होता था ना, कुरान का शब्द, यहाँ पर है कि इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। तो कुरान का कुछ श्लोक उस पर लिखे जाते थे। और अबल अल मलिक ने जेरूसलम, तो जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर, डोम ऑफ रॉक एक थोड़ा सा वहां पर कुछ था, तो उसको बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया इन लोगों ने कि भैया एकदम हम अच्छा करेंगे अब। तो शायद यही होगा जो पत्थर का बना होगा, डोम फॉर रॉक बनवाया होगा। तो देखो ये तस्वीर कितना शानदार यहाँ पर दिख रहा है, कितना मस्त इसमें कलाकृति है, कितना मस्त इसमें डिजाइनिंग है, आप यहाँ से समझ सकते हो देखने के बाद। जब फोटो में इतना सुंदर लग रहा है तो रियल दुनिया में जाओगे तो कितना सुंदर लगेगा, आप इससे अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि पथरीले टीले के ऊपर अबद अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टानों का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का यह पहला बड़ा नमूना है और जेरूसलम नगर की मुसलमानी संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर, यहाँ पर लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि यात्रा, क्या जी, रात्रि यात्रा जिसको लोग मिराज बोलते थे, रात्रि यात्रा को, तो मिराज से यह स्मारक जुड़ गया और यह इसका रहस्यमय महत्व है। देखो कुछ महत्व नहीं होता है, वो लोग बिल्डिंग वहीं पर बनाया करते थे जहां पर कुछ ना कुछ अंदरूनी शक्ति हो, मतलब जहां पर कुछ आपका अलग से वेव जाता हो किसी पहाड़ी के नीचे से, किसी पहाड़ के नीचे, तो उसी पहाड़ को काट कर उस पर मंदिर बनवाए जाते थे। समझो कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पर लोगों को तबीयत खराब हो जाता हो, चाहे मन खुश हो जाता हो, उसी जगह पर कुछ ना कुछ बनवाया करते थे, क्योंकि पूरा देश है भैया इन लोगों का था, पूरा मिट्टी इन लोगों का था, जहां मन करे वहां जो करें। अब यहाँ पर देखो आगे, हाँ बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना आपको? हाँ बोर फील होगा तो कोई बात नहीं, दो बार ताली बजाओ, तीन बार उठा बैठी करो, काम खत्म हो गया, फिर से पढ़ना चालू। और सिक्कों में
अबद अल मलिक द्वारा सुधार, और सिक्कों में अबद अल अली के द्वारा कुछ सुधार किए गए थे। चलिए देखते हैं कैसे। नीचे दिए गए सिक्कों से यह पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली में अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिए गए लंबे वाले और दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहनते हुए, मतलब जो बीच वाले में जो दिया गया दूसरे फोटो में देखो, ये अरबी कपड़ा पहन कर रखा है, मतलब ये मुसलमान है। इसके हाथ में तलवार है, और उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली है उनमें यह पहली है, और पहले के मुसलमान ऐसे ही कपड़ा पहना करते थे। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और सब जानते हैं, और अपने में यह खास भी है, क्योंकि बाद में कला और शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा था, और अबद अल मलिक के मैद्रिक सुधार, अबद अल मलिक जो मैद्रिक सुधार किया, तो मुद्रिक जिसको मुद्रा वो बोलते थे, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम मैद्रिक बोला जाता था, तो मैद्रिक सुधार उसके राज्य वृत्ति के पुनर्निर्माण से जुड़ी थी। अपने राज्य की पुनर्निर्माण किया, इसी के अनुसार सिक्कों को भी बदल दिया। अबद अल मलिक के सिक्के ढालने की प्रतिक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिए गए तीसरे सिक्के के प्रमुख चाहे नीचे दिए गए तीसरे सिक्के के प्ररूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। बहुत लंबा समय तक सिक्का को ढाला गया। अब यहाँ पर आप देखना, बाइजेंटाइन का सोने का बना सोलिड्स, जिसमें सम्राट हेराक्लिक्स और उसके दो पुत्रों को दिखाया गया है। क्या है? सम्राट हेराक्लियस और उसके दो पुत्र। मतलब यहाँ पर देखो, उस जमाने में लोग ये कपड़ा पहना करते थे, मतलब ये पूरा हिंदू समाज से मिलता था, हिंदू ने तो बौद्ध समाज से मिलता था, फिर इन लोगों ने कब्जा किया मुसलमानों ने, तो इस सिक्का को बदल कर ऐसा कर दिया। अबद अल मलिक द्वारा अपने नाम और रूप के साथ ढाला गया यहाँ पर दिनार है। ये दिनार उन लोगों का है, ये उन लोगों का सिक्का है जिसको वो लोग बोलते थे सोलिडस के पास दिनार आ गया, और दिनार के बाद देखो यहाँ पर क्या आता है, और बदला हुआ दिनार जिस पर केवल लिखावट मिलती है, देखो यहाँ पर केवल उर्दू में लिखावट है, लिखा गया है, और इस पर कलिमा गढ़ी हुई है, इस पर कलमा लिखा गया है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह के सिवाय कोई और खुदा नहीं है, और अल्लाह का कोई शरीर नहीं है। ठीक है भैया, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि भगवान के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं होता, सृष्टि का बनाया एक है, सृष्टि को बनाने वाला एक है, बाकी सब तो ऐसा ही अंधविश्वास है। हम लोग भी एक को मानते हैं, तुम भी एक को मानते हो, लेकिन हमारी आस्था इसमें, हमारी आस्था है उसमें, तो हम पूछ लेते हैं आपकी भी आस्था मुहर्रम में है, ईद में है, तजिया में है, कब्रिस्तान में है, चाहे अपना कोई भी आप अपना आदमी को गाड़े हैं कहीं भी, तो आप पूजा करते हैं। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि भाई दूसरा कोई क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे यहाँ पर बिना झगड़ा किए बात विवाद नहीं हो किए बिना अपनी जिंदगी आसानी से चले, उसके चक्कर में तो कोई रहता ही नहीं है ना। कुछ गधे चुट्टे कमीने थोड़ा सा उकसा देते हैं, आप लोग कस जाते हो, कुछ उल्लू के पट्टे यहाँ पर है नेता वगैरह जो थोड़ा सा गर्मी मार देंगे, आप लोग एकदम धड़कने लगोगे, जलने लगोगे, इस अलाइए हमको ये कर दिया वो कर दिया। अरे ऐसा नेता जो बोल रहा है ना कि भगवान खुश होंगे मारो साले को, अल्लाह खुश होंगे मारो साले को, सबसे पहले जूता निकालो, चप्पल निकालो, कुर्सी बैठो कुर्सी निकालो, हाथ में से कारा निकालो, और उस नेता को इतना मारो कि साला हॉस्पिटल जाए, और नहीं तो वहीं से नर्क सिधार जाए, इतना मारो उसको। ऐसे अंधविश्वासियों की जरूरत हमारे समाज में नहीं है, ये आपको याद कर रखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि आबासी में क्रांति कब हुआ था। ठीक है, मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण के सफलता के लिए उमदिया वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उमदिया वंश जो था उनको बहुत ज्यादा क्या चीज कीमत चुकानी पड़ी थी मुसलमान जब वहां पर आए थे तो। और दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमदिया वंश को उखाड़ फेंका, और एक दवा नाम का एक वहां पर सुनियोजित आंदोलन हुआ जो उसको बहुत कम समय में नियोजित किया गया था, वो उमदिया वंश को उखाड़ के फेंक दिया, हटा दिया, राजा को मार दिया।
और 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे, मतलब मुसलमान ही थे, और अब्बासियों ने उमदिया शासन को दुष्ट बना बताया, उमदिया शासन जो था उसको दुष्ट बताया, कौन? अब्बासियों ने, ठीक है। और यह दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनः स्थापना करेंगे, और उन्होंने बताया कि वो उमदिया वंश दुष्ट है और हम पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लामिक जो उनकी प्रथा है उनको फिर से स्थापना यहाँ पर करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए थे, और पूरे के पूरे इस्लामिक वो इलाका जो बना तो वहाँ के राजनीतिक ढांचे भी बदल गए और सांस्कृतिक ढांचा में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया। ऐसा नहीं कि मुसलमान लोग थोप देंगे, जनता स्वीकार कर लेगी, नहीं, जनता को एक रोटी खाना है, कोई 50 खिलाए तो खाएगा सब। जनता बहुत खराब चीज होती है और जनता बहुत अच्छी चीज होती है। तुम थोड़ा सा भी आग दोगे तो भड़क जाएगी, थोड़ा सा भी शांत करोगे तुरंत शांत हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ गद्दार लोग फायदा उठा लेते हैं ऐसे भोले भाले लोगों का। अब्बासियों का जो विद्रोह था खुरासान, मतलब पूर्वी ईरान, तो पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था, जहां पर देखा जाए तो दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता है। अगर बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है तो दमिश्क से कहां पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, पूर्वी ईरान के तरफ जाना है तो अगर दमिश्क से पूर्वी ईरान तो बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़ा चाहिए, तभी आप 20 दिन में पहुंचोगे, मतलब पुराने जमाने में। आज तो यार कितना भी दूर हो 24 घंटा काफी है, 24 घंटा वहां पहुंचने के लिए 6-7 घंटे में पहुंच जाओगे, प्लेन से जाओ आराम से पहुंचोगे। और खुरासान में अरब ईरानियों की मिली जुली आबादी थी, अरब और ईरानी ये दोनों सब मिलकर रहते थे वहां पे, आज भी है, जिससे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सकता है। और यहाँ पर अब सैनिक अधिकांश, यहाँ पर देखा जाए तो अब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे, कहाँ से आए थे? इराक से आए थे, और वे सीरिया लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे, सीरिया के लोगों के व्यवहार से बात से वो नाराज रहते थे हमेशा। कौन लोग रहते थे नाराज, कहाँ के लोग रहते थे? यहाँ पर देखो आप, इराक के लोग रहते थे, क्योंकि इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से बहुत नाराज रहते थे। अरे भैया दूसरे के घर में जाओगे समझोगे कि भैया वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हम नाराज हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलत बात है भैया, ये तो बहुत खराब बात है। जिसका घर है उसके अनुसार रहो, बाद में ढल जाना। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ कुछ बोलता नहीं, जैसे तुमको रखना है वैसे रखना रे भाई, तू भी मेरे घर में आएगा, जैसे मेरे को मन करेगा वैसा रखेंगे, मन करेगा भैंस के तबेला में रखने के लिए भैंस के तबेला में रखेंगे, मन करेगा महल में रखने के लिए तो महल में रखेंगे। और खुरासान के अरब नागरिक उमदिया शासन को इसलिए नापसंद करते थे, जितने भी अरब के नागरिक थे उमदिया शासन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें और विशेष अधिकार देने के जो वायदे किए थे, कर में वो छूट देना चाहते थे और विशेष अधिकार देने का वायदा किया था उमदिया शासन ने, इसीलिए अरब के नागरिक जो थे इसका बहिष्कार करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, और वे पूरे नहीं किए गए थे, और वादा तो किए गए लेकिन पूरा नहीं किया गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा खफा थे, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हुई थी और इस बात से दुख भी उनको ज्यादा हुआ था। जहां तक देखा जाए तो ईरानी मुसलमानों, जिसको मवालियों यहाँ पर लिखा गया है, ईरानी मुसलमानों मतलब मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त मतलब क्या होता है, अपने ही बीच में जाति के अनबन से मरकर खत्म हो जाना, तो जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि वो लोग जाति जाति लड़ते रह गए, अरब के लोग आए और कब्जा कर लिए, ले बेटा भोग सारा, तुम सब यही लायक हो। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही लोग लायक थे कि यहाँ पर दूसरा
कास्ट का लोग आ गया। मैं मुसलमानों के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन आप बुरा मत लगाना, लेकिन मैं बताता हूँ कि उस समय राजवंशियों ने यहाँ पर शासन करते थे वो लोग, मतलब राजपूतों ब्राह्मणों ने शासन किया था जब मुसलमानी समाज का कोई भी हिंदुस्तान में आया, भारत में आया तब। क्योंकि अकेला सम्राट अशोक जो था, किसी को पनपने नहीं दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कोई नहीं आया, समुद्रगुप्त के समय में कोई नहीं आया। हर्षवर्धन जब राज किया करते थे, राजा हर्षवर्धन जो उत्तरी भारत में थे, तो उस समय भी कोई मुसलमान इधर नहीं आया था। और उनके मरने के बाद तभी ये सब फैला है, और इतना ज्यादा फैला, जातिवाद आ गया। हाँ, उस समय पृथ्वीराज चौहान रहा करते थे, पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन उनके भी ससुर इतना चोट्टा आदमी था, वो ससुरा इतना चोट्टा आदमी था। अरे भैया, तुम्हारी बेटी से प्यार करता था तो उसको करने देते, तुम्हारी बेटी ने बोला था ना कि प्यार करते हैं, तुम्हारी बेटी ने वरमाला पहनाया था ना, माला पहनाया था, तो तुमको साले क्या काय का दिक्कत था भैया? तुमको दिक्कत अपने बेटी से था, बेटी से निपट। वो जाकर मिल गया अलाउद्दीन खिलजी से, दूसरे से मिल गया, मुसलमानी राजा से मिल गया, और उसने आकर उनको कितना बार हरा दिया। और फिर बाद में जो ससुर था वो बोला कि अब हम राजा बनेंगे। वो मुसलमान जो राजा था उस समय, वहां का सुल्तान जो था, उसने बोला, अरे तू अपने दामाद का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा रे, तू अपने बेटा का बेटी का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। उस समय गला काट दिया। हट, तो अगर तुम बगावत करोगे, गद्दारी करोगे तो तुम मरोगे, तुमको कोई नहीं बचा सकता है, तुमको मरने से भगवान भी नहीं बचा सकते अगर गद्दारी करोगे तो। इसीलिए जीवन में गद्दारी शब्द दिमाग से हमेशा निकाल देना। उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा, और वे उमदियों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे, और उमदिया को बाहर निकालने के लिए किसी भी आंदोलन में, किसी भी अभियान में वो शामिल हो जाते थे। हैं, मारो, भटाओ, भागो इधर से। यही चीज आज भी जो चल रहा है, लेकिन अब हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ गया है, खुले मंच से हम आ रहे हैं आपके बीच में। दूसरी आभासी राजधानी जो थी समारा, तो समारा के अल मुतवकिल की महान मस्जिद, बहुत बड़ा मस्जिद था, जिसे 850 में बनवाया गया था, और इसकी ईंट की बनी हुई थी। और ये जो किसकी थी, ये ईंट की बनी हुई थी और मीनार जैसा था, मीनार बनी हुई थी, मीनार जो 50 मीटर ऊंचा था। कितना? 50 मीटर, तो 150 फीट, तो 50 मीटर ऊंचा था, करीबन 15 मंजिला बिल्डिंग उतना। और मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। कई शताब्दियों तक सबसे बड़ी मस्जिद में इसका गिनती होता था। नीचे से एकदम चौखट उठाया गया, धीरे 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 पातर करते 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 ऊपर ले जाकर पूरा पातर कर दिया गया। देखो किस तरह इधर को है, दिख रहा है ना आपको? चढ़ने के लिए भी इस पर आसान है, उतरने के लिए भी आसान है। चढ़ने के लिए भी सीढ़ी का जरूरत नहीं, उतरने के लिए भी सीढ़ी का जरूरत नहीं, सब साथ में सीढ़ी इधर बनल है। आराम से चढ़ो, आराम से उतरो, दे दे प्रभु, दिला दे प्रभु, देने वाला दाता राम, करते रहिए। आगे देखा जाए यहाँ पे, तो अब्बासियों ने जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे, पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के जो वंशज थे, विभिन्न असहमत, यहाँ पर है कि विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया, और जितने भी असहमत समूह थे उनका भी समर्थन ये लोग प्राप्त कर लिए। और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अल्लाह अल बयत, तो अल्लाह अल बयत का कोई मसीहा, मसीहा को लोग बोलते हैं महदी, तो मसीहा उन्हें उमदियों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। मतलब पैगंबर मोहम्मद के परिवार के कोई एक मिलकर आपको उमदिया शासन के दमनकारी से आपको आजादी दिलाएगा, और सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया कि हम सत्ता को लेंगे, सत्ता हासिल करेंगे, तो हम क्या क्या आप लोगों को करेंगे। और देखा जाए यहाँ पर तो उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम किया करता था, और उसका नाम था अबू मुस्लिम। तो अबू मुस्लिम ने सेना का नेतृत्व किया, जिसने
अंतिम उम्दिया खलीफा जो था उसको मरवान, उम्दिया खलीफा मरवान को जब नदी पर हुई लड़ाई हुई जब वहां पे, तो उनको हरा दिया, शायद मार भी दिया होगा। और आवासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, और जितने भी अरब का प्रभाव था सब गिर गया, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। और आवासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडरों के निकट बगदाद में स्थापित किया, और बगदाद से ही अपना शासन व्यवस्था चालू कर दिया। और इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनः गौरव यहाँ पर है, पुनः गठन गैर कबीलाई आधार पर किया था। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। तो इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत देखा जाए, उन सबकी बातों को देखा जाए, तो अधिक भागीदारी किसकी सुनिश्चित की गई थी? सेना और नौकरशाही का, क्योंकि इनका फिर से पुनः गठन किया गया, फिर से नौकरी पर रखा गया, तबादला हुआ, बदलाई हुआ, पूरा बदली किया गया, और गैर कबीलाई आधार पर किया गया था। जो इस कबीला के नहीं है उसी आधार पर इनका तबादला किया गया था। इसीलिए आज देखते हो जो भी इलाके का कोई होता है तो उसको उस इलाके में पोस्टिंग नहीं मिलता है, किसी दूसरे इलाके में उसको पोस्टिंग मिलता है। आवासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति, जो आवासी शासक थे उन्होंने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्य को मजबूत बनाया, और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया कि भैया केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखो, अच्छा रहे। इसको बनाने के लिए सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें अच्छे से मजबूर किया था कि तुमको करना ही है भैया, जाओगे कहाँ। यहाँ पर देखिए आगे, क्योंकि उसमें धार्मिक संस्थाएं भी थी और इस्लामी संस्थाएं भी सब साथ साथ मिलकर काम किया करते थे। आगे है कि यहाँ पर देखा जाएगा तो उन्होंने उम्दियों के शानदार शाही वस्तुकला, जो उनका बहुत अच्छा वस्तुकला था, और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपराओं को बराबर कायम रखा। और उम्दिया के जितने भी उनके वस्तुकला थे, राज दरबार का व्यापक समारोह था, उन सभी परंपराओं को बराबर रखा, बरकरार रखा उसको। और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, वो जो राजा था जिसने सोचा कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जिसने खत्म किया था उसी को फिर से मजबूर होना पड़ा राजतंत्र को कायम करने के लिए। क्यों? जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, जनता सब करती है, बस फर्क इतना ही पड़ जाता है कि आपको उसको करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा कोई सी को कुछ फर्क पड़ेगा? ना ही पड़ेगा रे बाबा, कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन ना उसको फर्क पड़ता है जो आपके बारे में जानता है, जो आपका अत्याचार सह रहा है, चाहे आपके वजह से उसको दिक्कत हो रहा है, उसका तो पारा ठनकेगा। और जब पारा ठनकेगा तो बनिया बनिया लोग होगा, सफाया तो वो करिए देगा। समझ में आ रहा है ना? अगले भाग में हम पढ़ेंगे खिलाफत का विघटन कैसे हुआ, उसका खत्मा कैसे हुआ, और सल्तनतों का उदय कैसे हुआ। क्योंकि खिलाफत खत्म, अब शहंशाह चालू, और शहंशाह चालू तो सल्तनत चालू। तो चलिए हम जानते हैं अगले भाग में सल्तनत के बारे में। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है, दिक्कत है, संदेह है, चाहे कुछ भी है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आपके कमेंट का इंतजार करती है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।